अस्सलाम वालेकुम दोस्त, हम आपको आज दिखाएंगे 3 फेज़ DAB। ये हमारे पास एक DAB इंस्टॉल की हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ABB की DAB है, ये हमारे पास इसमें 3 फेज़ आइसोलेटर लगा हुआ है और ये हमारे पास सिंगल फेज ब्रेकर लगे हुए हैं। जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास एड्रेस करती है लोकेशन को। एग्ज़ाम्पल ये Y4 है, LDB, तो ये एड्रेस करती है जहाँ पर सेम हम जो स्टिकर है वहाँ पर। एग्जाम्पल फीड है, लाइट लाइट पे भी लगा रहते हैं, स्विच स्विच पे लगा रहते हैं, सॉकेट सॉकेट पे लगा, तो हम यहाँ से एड्रेस करते हैं कि ये कहाँ पर गया हुआ है। हमने आपको कॉल दी है। ये हमारे पास 3 फेज़ वायर आया हुआ है जो मैन होम रन इसमें कहते हैं। ये है रेड येलो ब्लू, ये हमने स्विच से लगाया हुआ है। ऊपर एक बस बार लगी हुई है जिससे सारे ब्रेकर हमारे फीड हुए होते हैं। ये हमारे सारे सिंगल फेज़ ब्रेकर लगे हुए हैं और ये हमारे पास जो है साइड से हमारी सारी DAB टर्मिनेट हो चुकी है और इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हुई है। और जो हम ये साथ ही येलो जो हमारे फिरोल लगाते हैं, ये एड्रेस करते हैं कि ये रेड है, Y1 है, B1 है, C या रेड येलो ब्लू करते हैं और 1, 2, 3 इसमें एड्रेस की जाती है। ठीक है, ऐसे हमने टाई। और ये हमारे पास नीचे जो हमारे पास है वो हमारे पास बस बार लगी हुई है 3 किस्म की। ये हम ब्रेकर हैं, ये ब्रेकर देकर इसकी हम रेटिंग यहाँ चेक कर सकते हैं। रेटिंग इसमें 32 एम्पेयर से ब्रेकर सिंगल फेज से लेकर हमारे पास 6 एम्पेयर तक होते हैं, तो वो लोड के हिसाब से हम लगाते हैं। ये आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये C32 इसमें ये हमारे पास 32 एम्पेयर का सिंगल फेज ब्रेकर लगा हुआ है। ये यहाँ पर हमारे पास C10 है, C6 है, 16 है, तो इस हिसाब से ये सारे सिंगल फेज ब्रेकर हमारे लोड के हिसाब से लगे होते हैं। ये हमारे पास बस बार है, ये बस बार हमारे पास एक अर्थ का है और एक न्यूट्रल का है। और इस तरफ भी हमारे पास बस बार लगा हुआ है जो हमारे पास न्यूट्रल का एक बस बार है और एक ये अर्थ का है। इस पर हम एड्रेस करते हैं हर एक वायर्स को। और ये स्लिटर है हमारे पास, यहाँ से हम पूरी DAB को ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर हमने इसमें यहाँ पर कोई मेंटेनेंस करनी है। अगर हमारे पास किसी फील्ड में इस मीन किसी रूम में करनी है तो उस ब्रेकर को ही हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं।